हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुश और आप देख रहे हैं रियंजन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने फेसबुक पेज का नेम चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि आपका फेसबुक पेज का कुछ और नाम है और उसे बदलना है, तो आप दोस्त उसका नाम कैसे बदलेंगे, यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फेसबुक अपना ओपन कर लिया है और साथ में मैंने अपना पेज भी ओपन कर रखा है, जिस पेज का नेम यहाँ पर चेंज करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, MLM पार्टीज मेरा फेसबुक का पेज का नाम है। इस फेसबुक पेज का अपने को नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए दोस्त बहुत ही सिंपल है, पर ये रिव्यू में जाता है, रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है ये भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, इसके फेसबुक पेज का नाम चेंज करने के लिए अपने को यहाँ पर अबाउट अस में आना होता है। अगर दोस्त आप इसे हिंदी में लॉग इन किए हैं, अगर आपका हिंदी में है तो यहाँ पे परिचय आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अबाउट अस की जगह पे परिचय आएगा। अभी यहाँ पे अबाउट अस है, तो चलिए दोस्त यहाँ पे अबाउट अस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे अबाउट अस वाली पेज ओपन हो जाती है। उसके बाद अपने को थोड़ा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा कैटेगरी है मैगजीन है और जो फेसबुक पेज है यहाँ पे MLM पार्टीज के नाम से है। आप दोस्त यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसका नेम यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। पर दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप मान लीजिए यहाँ पे MLM पार्टीज है ना, तो इसका नाम एक बार में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरा का पूरा एक बार में चेंज करते हैं ना, यहाँ पे MLM पार्टीज को हटा कर कुछ और नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, तो होगा क्या कि ये डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। कभी कभार अप्रूव हो जाता है, पर रिजेक्ट होने का 99% चांसेस होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर MLM है ना, तो यहाँ पे पार्टीज को पहले चेंज करेंगे और फिर जब ए अप्रूव हो जाएगा फिर हम MLM को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम पार्टीज की जगह पे हम यहाँ पर वाले कर देते हैं। ठीक है दोस्त, हमें क्यों कि हमें यहाँ पर MLM वाले डॉट के नाम से मेरा साइट है, तो यहाँ पर पहले मेरे MLM पार्टीज के नाम से साइट था तो वो बंद हो चुका है। अब मेरा साइट जो है MLM वाले डॉट कॉम से है। ठीक है दोस्त, दोस्त मैं यहाँ पे MLM वाले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पार्टीज हटा के, आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में पार्टीज है, यहाँ पर मैंने पार्टीज हटा के वाले कर दिया है और शुरू में MLM है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अपने को आधे नेम एक बार चेंज करना है, फिर आधे जब पूरा जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर आधे करना है। चलिए दोस्त, यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवर रिव्यू में टेक अप टू मतलब 3 डेज से 7 डेज लग सकता है। ठीक है दोस्त, इसको रिव्यू करने में आज तुरंत तुरंत भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका रोबोट रिव्यू करता है जो भी है। अब चलिए रिक्वेस्ट चेंज पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट चेंज पर जैसे ही दोस्त हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रिव्यू के लिए जा चुका है। कभी कभार क्या होता है कि ये तुरंत तुरंत रिव्यू हो जाता है, जिससे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो दोस्त आप देख सकते हैं मेरे जो फेसबुक पेज का नेम था यहाँ पे MLM पार्टी से MLM वाले हो चुका है, यानी ये अप्रूव हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ है, यानी मेरे फेसबुक पेज का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है, अभी अप्रूव हो चुका है। अगर आप पूरा पूरा चेंज करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने को फेसबुक मतलब जो भी अपना पेज है उसका नाम अपने को आधे आज चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप पूरा उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे MLM पार्टीज था तो मैंने यहाँ पे MLM वाले कर दिया। अब इसको एक दिन के बाद फिर दोस्त आप यहाँ पे MLM जो है आधे जो नाम है वहाँ पे भी आप अपना नाम जो भी जिस नाम से अपने फेसबुक पेज का नाम रखना चाहते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं और रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। मतलब 3 से 7 दिन लगता है या तुरंत का तुरंत हो जाता है। दोस्त अपने फेसबुक पेज के नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस रियंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।